हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक एसआई सिस्टम और पेज नंबर है 255। सवाल है कि एक बॉयलर की इक्वलेंट वेपोरेशन हमने मालूम करनी है और फी किलोग्राम फ्यूल जो है वो 14.65 इस्तेमाल हो रहा है। अगर फ्यूल की क्लोरीफिक वैल्यू 10.17 किलो कैलोरी है और बॉयलर की थर्मल एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है, तो आसान सा सवाल है। इक्वलेंट एवेपोरेशन का इस पे फार्मूला लगेगा। इक्वलेंट एवेपोरेशन का फार्मूला होता है स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 2257। और अगर आप किलो कैलोरी में ले रहे हैं तो 539 पे आप डिवाइड करेंगे, तो इस केस में हम किलो कैलोरी के हिसाब से करेंगे। तो डेटा हम देख लेते हैं कि थर्मल एफिशिएंसी उसने हमने निकालनी है और फिज़ाई प्रेशर पर स्टीम की लेटेंट, इसने कोई अजीब सा 5/9 × 970 लिखा हुआ है, तो इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 539 बनेगा। तो 539 कांस्टेंट होता है, यानी कि एक किलोग्राम स्टीम को एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, एक किलोग्राम पानी को एटमॉस्फेयर प्रेशर पे स्टीम में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो 539 किलो कैलोरी चाहिए होती है। तो आप इसको डायरेक्ट 539 लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको 5/9 × 970.6 लिखें। तो उसके बाद हमने बेसिकली मालूम करनी है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक तो ये कि बॉयलर को हमने कितनी हीट प्रोवाइड की और बॉयलर ने हमें कितनी हीट दी, तो इसके ज़रिए हम जो है इसकी एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर की कैलकुलेट करेंगे। तो बॉयलर से हमने कितनी हीट हासिल की, बॉयलर से हमने जितनी हीट हासिल की उसका फार्मूला आपके सामने है, इक्वलेंट एवेपोरेशन मल्टीप्लाई बाय एटमॉस्फेयर प्रेशर पर लेटेंट हीट। तो इक्वलेंट एवेपोरेशन उसने हमें दी हुई है 14.65 है। उसके अलावा हमें पता है कि फ़िज़ाई प्रेशर पर लेटेंट हीट होती है 539। तो जब आप 14.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 539.2 से, तो आपके पास आ जाएगा 7899.60। इसका मतलब ये वो हीट है जो कि हमने बॉयलर से हासिल की। अब हमने ये देखना है कि हमने बॉयलर को हीट दी कितनी, हासिल तो हमने इतनी की, इसको हमने हीट दी कितनी। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या करना है, इसकी जो क्लोरीफिक वैल्यू है जो कि इसने दी हुई है 10.17, इसकी क्लोरीफिक वैल्यू को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसकी क्लोरीफिक वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10170 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो ये वो हीट है जो बॉयलर को हमने दी है और इससे हमने ली कितनी है 7899। तो अब आपको पता है कि एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला हमें बिल्कुल आसान हो गया है। जितनी हमने बॉयलर को हीट दी और जितनी उससे ली, उन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 77.7% जो है वो थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी।